सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कर्नाटका हाईकोर्ट के हिजाब से मुतालिक फैसले पर रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं हिजाब पर कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले से मुत्तफिक नहीं हूं, फैसले से इख्तलाफ करना मेरा हक है और मुझे उम्मीद है कि दरखास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील करेंगे। क्योंकि ये हाईकोर्ट के फैसले से हम इसको सही नहीं मानते, इसको डिसएग्री करते हैं, इसलिए कि ये संविधान के राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस का तो सस्पेंड करता है। संविधान में जो प्रियम्बल है लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी, जस्टिस, उसको नजरअंदाज करता है और सिर्फ एक ही रिलीजन के प्रैक्टिस को एसेंशियल नहीं कह रहे, दूसरे रिलीजन के प्रैक्टिस को एसेंशियल मान रहे हैं आप, तो वो अपने रिलीजियस सिंबल्स पहनकर स्कूल को जा सकते हैं और मेरी बेटी हिजाब पहनकर नहीं जा सकती। तो ये आर्टिकल 15 का भी ग्रेव वॉयलेशन है, इसीलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये अपील हो। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी साबरीमाला के केस में वो पेंडिंग है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा रिलीजन का एसेंशियलिटी वो कोर्ट डिसाइड करेगा नहीं करेगा। हमारा इंडिविजुअल मानना यह है कि कोर्ट्स ऑफ लॉ के ऊपर डिसाइड करें, कोर्ट्स ऑफ रिलीजन ना बने। क्योंकि ये हाईकोर्ट के फैसले से हम इसको सही नहीं मानते, इसको डिसएग्री करते हैं, इसलिए